करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम कुरान शरीफ की दूसरी सूरा सूरह बकरा की आयत नंबर 188 से इस्तिफादा करेंगे। ऐलान हुआ कि नेकी सिर्फ यह नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, पैगंबरों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल कराबतदारों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर खर्च करे, साथ ही नमाज कायम करे और ज़कात दे। जब कोई वादा करे तो अपना वादा पूरा करने वाला हो और सख्ती में, मुसीबत में सब्र करने वाला हो। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार है। कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी तय करता है कुरान। ये पैगाम है कुरान का, यानी आपको अपनी कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गरीबों और मोहताजों के लिए बहुत हक अदा करने हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में आप सब्र से काम लें। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आपकी जानकारी में कोई भूखा सो रहा है तो उसकी भूख को मिटाएं। कुरान दरअसल कौम के हर फर्द की दो जिम्मेदारियां तय करता है। एक जिम्मेदारी अपने पालनहार, अपने परवरदिगार की इबादत, और दूसरी जिम्मेदारी अपनी कौम के लिए। इबादत वाली जिम्मेदारी तो बड़ी आसान है। आप खुद इबादत करिए, जिक्र करिए, फिक्र करिए, उसकी यादों की महफिलें आरास्ता करिए। यह आपका और आपके अल्लाह के दरमियान का मामला है। इसमें कोई कोताही हो जाए तो उसकी माफ़ी मुमकिन है। अगर नमाज कजा हो गई, रोज़े छूट गए हैं, इबादतों से गाफिल रहे हैं तो आप तौबा कर सकते हैं। आप अपने रहमान और रहीम इन परवरदिगार से माफ़ी मांग सकते हैं। यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन आपकी दूसरी जिम्मेदारी की मंजिल बहुत सख्त है। अब मामला आपका और अपने कौमी भाई का है। अगर आपने किसी को धोखा दे दिया, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, अगर माँ बाप की जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की, तो मामला अब आपका और उस शख्स का है जिससे आपके मामले ख़राब हो चुके हैं। अब अल्लाह तभी माफ़ करेगा जब वो शख्स माफ़ कर दे जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसको आपने धोखा दिया। और अगर वो शख्स मर गया तो फिर क्या होगा? उसे ज़िंदा किया नहीं जा सकता, उसका गड़ा मुर्दा उखाड़ा नहीं जा सकता, तो माफ़ी कैसे मिलेगी? अब तो माफ़ी के लिए रोज़े महशर का इंतज़ार करना पड़ेगा और अल्लाह जाने उस रोज़ वो आपको माफ़ करे या ना करे। लिहाजा दूसरी जिम्मेदारी बड़ी सख्त है। इस जिम्मेदारी को बड़े एहतियात के साथ अदा कीजिए। पैगंबर आजम की हदीस है कि एक रोज़ आपने साहबा से पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि फ़कीर कौन है? साहबाओं ने अर्ज किया कि फ़कीर तो वो है जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरअसल फ़कीर वो है जो कल क़यामत के दिन नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की तमाम इबादतें लेकर हाजिर होगा, लेकिन दुनिया में किसी को गाली दी थी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, किसी का नाहक माल लिया था, किसी की इज्जत पर हमला किया था, किसी पर जुल्म किया था, किसी को नाहक मार दिया था। अब क़यामत के दिन हर मजलूम आदमी उस जालिम की नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के सवाब के मुकाबले अपना मुतालबा करेगा। अब अगर उस जालिम के अच्छे कामों के सवाब से सबका हक अदा होगा तो ठीक है, वरना बाकी मजलूमों के गुनाहों को समेट कर उस जालिम पर डाल दिया जाएगा और जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त भी ज़मीन हड़प ली तो रोज़े महशर सातों ज़मीनों का उतना हिस्सा उसके गले का तोक बनेगा। आप सोचिए, कुरान, हदीस, इस्लाम अखलाकियत पर कितना ज़ोर देते हैं। आपकी इबादतों पर आपके बुरे आमाल भारी पड़ सकते हैं। आपके मामलात अगर दुरुस्त नहीं हैं तो सारी इबादतें बेकार हो जाती है। ये पैगाम है कुरान का, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कितने गुनाहों को अंजाम देते हैं, कितनी ही बुराइयां हमसे सरजज हो जाती है। जाने अनजाने में हम कितनों का दिल दुखा देते हैं। किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, किसी का खून बहाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमने किसी का दिल भी दुखा दिया तो वो हमारे नामे आमाल में दर्ज हो जाता है। लेकिन अफसोस ये है
कि हमारे अंदर दुनिया बस चुकी है, सारी जिद्दोजहद दुनिया को हासिल करने की है, हम अपने हुकूक क्या अदा करेंगे, हम तो दूसरे के हुकूक को कुचलने में मसरूफ़ है, हम दूसरों की दौलत पर कब्ज़ा कैसा किया जाए इसके मंसूबे बनाते हैं। हालात तो यह है कि इस तेज़ी से बदलने वाले ज़माने में रिश्तों के सारे भ्रम टूट चुके हैं, भाई भाई का हक मार रहा है, बेटा माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को जलील और रुसवा करने की चालें चल रहा है, ज़मीनों की हदों को हर रोज़ बढ़ा रहे हैं, खेतों में अपनी मेड़ों को दूसरे के खेतों में बढ़ा रहे हैं, 10 रुपए के जले कटे नोटों को चलाकर अपनी चालाकी के किस्से सुना रहे हैं, दुकानों और अड्डों पर डंडी मार रहे हैं यानी कम तोल रहे हैं, खालिस माल में मिलावट कर रहे हैं, गोया मुआशरे की हर बुराइयों में हम बुरी तरह मुलव्वस हैं। हद तो यह है कि कुर्बानी के जानवर में इंजेक्शन लगाकर उसका वजन बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी के हर महाज पर नाकाम हैं, ये ज़ाहिरी कामयाबी हमेशा हमारे साथ न जाने कितनी खराबियां लेकर आती है, घर के फर्द बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, बने काम बिगड़ने लगते हैं, तन्हा रह जाते हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं, बड़ा करीबी अजीजी धोखा दे जाता है, लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि खल्के खुदा की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए, दौलत इज्जत और इल्म जैसी नेमतें जो हमें मिली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किया जाए, लोगों में बांटा जाए, वालदेन रिश्तेदार पड़ोसी और ज़रूरतमंदों की खिदमत करें, उनकी मुश्किलात में सहारा बने, किसी का माल ना खाए, अपने मातहतों से हमदर्दी करे और उनके आराम व ज़रूरियात को पेश नज़र रखे। हक तो यह है क्योंकि अगर आप सेहतमंद कौम चाहते हैं, अगर आप अपनी और अपने आसपास की ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं, तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद चाहते हैं, तो आपको हुकूक इंसानी का ख्याल रखना होगा, आपको हुकूक इबाद को अदा करना होगा, इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, अपने आप से इसका आगाज़ करना होगा, मुख्तलिफ तहजीबों और मजहबों में अपने किरदार को बेमिसाल बनाना होगा। आज की इस खास किस्त में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतालिक कोई और मालूमात को लेकर, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम TV आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ, अल्लाह हाफिज़। Allah